रशिया का एक ऐसा रीजन है जिसके बारे में बहुत कम बात करी गई है, कैलिनिनग्राद। दरअसल कैलिनिनग्राद रशिया के वेस्टर्न मोस्ट रीजन में पड़ता है और मेनलैंड रशिया के साथ कैलिनिनग्राद कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। पहले ये रीजन प्रूसिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में नाजीज की हार के बाद ये टेरिटरी सोवियत रशिया को सौंप दी गई। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स और डिसइंटीग्रेशन के बाद कैलिनिनग्राद रशिया का हिस्सा बन गया। लेकिन ये रीजन रशिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रीजन की वजह से रशिया को एक स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एडवांटेज मिलता है। कैलिनिनग्राद की टेरिटरी रशिया को न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए एक बहुत ही क्लोज फायरिंग रेंज ऑफर करती है। यही नहीं, दुनिया भर के 90% एम्बर रिजर्व्स कैलिनिनग्राद के शहर में पाए जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर करना और मुझे फॉलो करना ना भूलें।